आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर। और सबसे पहले आपको चाहिए पनीर, मेरा पनीर है 200 ग्राम का। और आपको चाहिए दो प्याज 200 ग्राम के लिए, मीडियम प्याज, टमाटर, तीन टमाटर मैंने लिया है। और एक और मैं बताती हूँ, मैंने टमाटर और प्याज और को अच्छे से काट लिया है, देखिए ओके, आपको भी ऐसे ही कट करना है। और मैंने 12 पीसेस काजू लिए हैं। ओके, आपको अब इस तरह के नॉन स्टिकी पैन चाहिए, और उसके बाद आपको डालना है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और रिफाइन ही यूज कीजिएगा, और घी 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच। ओके, अब जब आपका ये पैन जब आपको गर्म हो जाएगा तभी आप डालिएगा कुछ भी। मेरा पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें अब ऑयल डाल रही हूँ। ओके, अब मेरा तेल गरम हो चुका है, अब उसमें हम लोग प्याज डालेंगे। ठीक है, अभी फ्लेम लो पे है, और आपको अब कुछ खड़े मसाले डालना है। दो इलायची, एक तेज पत्ता, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, और 1 टीस्पून जीरा। जीरा, ओके फाइन। अब हमने इसे सबको डाल देना है, नहीं करना है, बस एक हल्का फ्राई टाइप का हो जाए बस इतना। ओके, अब इसमें हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये है मेरा पेस्ट, दोनों मिक्स है ऑलरेडी। हाफ अच्छे से स्टर करना है। शाही पनीर बनाने का एक फॉर्मूला है, अगर हम लोग इतना मलाई वाला नहीं चाहते हैं रिच इतना, तो आप उसके लिए दही यूज कीजिए। ठीक है, मैंने एक कप दही लिया है, उस पर सारे हमारे मसाले जाएंगे। ये है मेरा हल्दी पाउडर, ज्यादा स्पाइसी नहीं, इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च, सारे मसाले इसी में जाएंगे। गरम मसाला, ये मुझे पता नहीं कौन मसाला ओके, ये धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर है। ठीक है, इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, उसको मिट्टी लाइट कर देना, इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। एक अच्छा सा पेस्ट, और जो हमारा प्याज है उसमें डाल देना है। इसे अच्छे से, जब तक इसमें से ऑयल ना आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना। ये इसे बॉईल हो रहा है, क्योंकि मेरा दही बहुत पतला था तो ये इस तरह से है। अगर आपका दही गाढ़ा है तो आपको पानी डालना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा, मैं बताती हूँ कब। ये हो जाने के बाद, अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद आपको ये टमाटर डालना होगा। ठीक है,
टमाटर डालते ही आपको पानी डालना होगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इतना पतला है तो मुझे पानी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गाढ़ा दही है तो आपको पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका नीचे से जलने लगेगा। अब आपको नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर कम होगा तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। इसमें अब हम लोग जो काजू लिए थे उसे डालेंगे, ओके। और उसके बाद 2 चम्मच बटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बटर डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको इसको पीसना है, अगर आप चाहें तो खड़े मसाले हटा दें। नॉन स्टिकी पैन से निकाल के आपको इस टाइप के कंटेनर में रख लेना है और इसे डीप फ्रीज में रखना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए। मेरे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हमें इसे पीसना है। ये मेरा जार है और ये जितने भी खड़े मसाले हैं आप उसको एक बाउल में साइड करके रख दीजिए। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। अब हमें उसी नॉन स्टिकी पैन में 1 चम्मच घी लेना है, इसे अच्छे से डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। और 1 चम्मच थोड़ा सा चीनी डालना है, 1 चम्मच नहीं थोड़ा सा चीनी। उसके बाद ये अच्छे से मिक्स करना है इसे। और उसके बाद तुरंत हमें एक थोड़ी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, ठीक है। उसके बाद तुरंत मसाला, ये ऐसा दिख रहा है, इसे कुक होने दीजिए जब तक इससे ऑयल ना आ जाए। ये ऐसे बॉयल होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास अमूल क्रीम है, कोई भी क्रीम है, तो आप इसे डालें, मॉइस्चराइज़र मत डाल दीजिएगा अपना क्रीम। और ये है मेरा क्रीम, ये मलाई है एक्चुअली, मैं इसी को डालने वाली हूँ, ओके। बहुत सारा क्रीम क्योंकि ये है शाही पनीर। ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप पनीर डाल दीजिए। पनीर को फ्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही पनीर को डालें, और पानी डालने का भी ज़रूरत नहीं क्योंकि पनीर वो खुद पानी छोड़ेगा, ओके। उसके बाद हमारा शाही पनीर रेडी है। अब लास्ट स्टेप पनीर ऐड करना। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपका शाही पनीर रेडी है। आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर, उसके लिए आपको चाहिए